आज हम बात करेंगे कैट्स के वैक्सीनेशन डिटेल्स, इन डिटेल्स से बात करेंगे। और सर्दी का सीज़न आ रहा, सर्दी का मौसम आ रहा, विंटर सीज़न आ रहा, सो हाउ टू टेक केयर ऑफ कैट्स विंटर सीज़न। और सर्दियों में और विंटर सीज़न में हम कैट्स और किटन्स को कैसे हम सर्दी से बचा सकते, स्नीजिंग, कोल्ड और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सो आज हम ये बात करने वाले हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस था पर्शियन कैट्स में, 3 साल से मैं ब्रीड मतलब पेटिंग करवा रहा हूँ, ब्रीडिंग करवा रहा मेरे कैट्स। एंड मैं ब्रीडर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एम्प्लॉई हूँ। मेरे घर के किटन्स थे, ग्रो हो गए और अडल्ट हो गए और ब्रीडिंग हो रहे। तो जो भी है मुझे नेचुरली चाहिए। मुझे कैट्स को स्पे और न्यूटर कराना मुझे पसंद नहीं है। सो आई एम सॉरी अगर से किसी को बुरा लगा है, तो मुझे सब कुछ आई थिंक नेचुरल खाना ही ठीक लगेगा। और सॉरी या और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर से कैट्स को कोई ब्रीडिंग करवा रहे सर्दी के सीज़न में और विंटर के सीज़न में, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा ठंड है जिस जगह पे आप रहते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ ब्रीडिंग मत करवाइए। विंटर सीज़न कैट्स के लिए ब्रीडिंग करवाना ठीक नहीं है। कैट को आसान होता है कंपेयर टू समर, विंटर में ब्रीडिंग करना, बच्चे देना, बट बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बिकॉज सर्दी की वजह से क्या किटन्स को बहुत जल्दी टेम्परेचर डाउन होता है और मरने के चांसेस है। ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड्स बहुत लोगों से मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुना है। विंटर के जो सीज़न में बच्चे जो डिलीवरी कर रहे हैं, एक कैट के 7 बच्चे मर गए, एक कैट के 8 बच्चे मर गए, एक कैट के 4 बच्चे मर गए। रिसेंटली एक पाकिस्तान का ब्लॉग में देख रहा था, तो उनका भी वो भी वीडियो डाले थे, विंटर में बच्चे हुए और मर गए। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर से आप ब्रीडिंग करवाना है तो फिर आप उनको थोड़ा गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करिए। लाइक हीटर मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट अमेज़न में मिल जाएगा। आप लो टेम्परेचर पे रूम पे कैट को रख दीजिए, जो नेस्टिंग कैट है, जो प्रेग्नेंट कैट है, जो डिलीवरी करने वाली है या डिलीवरी करी है, उनको जितना हुआ उतना गर्म रखिए। और किटन्स को टिश्यू या फिर कुछ क्लॉथ से उनका सुसु हो, पॉटी हो, उनको थोड़ा क्लीन करते रहिए। अगर से कैट ठीक से मतलब बच्चों को लिक नहीं कर रही है, मेंटेनेंस नहीं कर रही है। हालांकि कैट्स 2 टाइप के होते हैं, कि एक अच्छे से मेंटेन करती है, हाइजीन रखती है, और दूसरे कैट्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं किटन्स को। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा कि आप सोच समझ के ब्रीडिंग करवाइए विंटर सीजन पे। समर कैट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा ब्रीडिंग करवाने के लिए। आप दिसंबर के महीने में आप मेटिंग करवा दीजिए। अगर से आपके कैट्स हैं या हीट में आ रही है तो आप ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, देन 65 डेज तो कैट को लगेगा डिलीवरी करने के लिए। जब तक हमारा आई थिंक फेब मंथ आ जाएगा, मोस्टली समर स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो तब कैट्स बहुत अच्छे रहेंगे। और रही बात वैक्सीन, सर्दी के टाइम पे मेन चीज़ें हैं। सर्दियों के टाइम पे कैट को वैक्सीन्स करवाना बहुत ज़रूरी है। किटन्स आफ्टर 2 मंथ्स या 1.5 मंथ आप वैक्सीन करवा सकते हैं। अब ज़रूर करवाइए कैट्स को और किटन्स को वैक्सीन इन्फेक्शन के लिए, और उनका स्ट्रॉन्ग इम्यून बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्प करेगा किटन्स को बीमारी से बचाने के लिए। आपको कैट को ज़रूर से पेट क्लिनिक पे लेके जाइए और वैक्सीन करवाइए। और सर्दी में जो मेन प्रॉब्लम्स किटन्स में देखा जाता है और कैट्स में भी देखा जाता है, फंगल, हेयर प्रॉब्लम, हेयर रिमूव होना और फंगल आ जाना, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कैट्स के पेरेंट। सो ये मैंने दिखाने जा रहा हूँ, ये लाइम सल्फर डिप बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स लाइम सल्फर डिप, और नाम भी यहाँ पे है। और रही बात, मैं नाम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, बट कृपया करें आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए और उनसे पूछिए प्रोसेस कैसे करना है, कैसे बात देना पड़ेगा मेडिकल बात, तो उसी के हिसाब से आए जो आप जाइए। मेरी बात हरगिज़ मत मानिए, मेरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल वेटरिनेरियन भी नहीं हूँ। जो मेरे पास कम से कम 9 से 10 कैट थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंड थिंग है कैट्स और किटन्स को
स्नीजिंग बहुत हो जाता है सर्दी के सीज़न पे, और वो ज़्यादा छींकते हैं, और ज़्यादातर एक्सट्रीम पंच कैट्स में अगर से देखा जाए उनका नोज बटन आई के पास लगता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके नाक में से म्यूकस भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दूसरा ऑक्सेट सिरप है, सो सिट्रिजेनी रहता नाम इस पे, और ऑक्सेट ओकासेट है। तो ओकासेट इसका मैंने आपको डिटेल्स पूरा डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, राइट, आप टेंशन मत रखिए। और ये भी किटन्स और कैट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है स्नीजिंग और कोल्ड को साफ मतलब प्रोन करने के लिए और उनसे बचाने के लिए। और रही बात और अपने कैट को 15 डेज के एक बार सर्दी के ज़्यादातर सर्दी के सीजन्स में गट वेल पाउडर डॉक्टर वेंकी या फिर डॉक्टर वेंकी का नहीं है, हाँ डॉक्टर वेंकीस है, वेंकी यहाँ पे लोगो है इनका, डॉक्टर वेंकीस का गट वेल पाउडर मिलता है। आप इसलिए बस एक छुटकी सा अगर से आपको आपकी कैट नहीं काटती है खिलाने पर, उंगली नहीं चबाती है, तो फिर आप डायरेक्टली उसके मुंह में एक पिंच लेके डाल दीजिए, काफ़ी है। 15 डेज वंस किटन्स हो या फिर कैट्स हो, गटवेल एक अच्छा पाउडर है किटन्स को और कैट्स को, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाए रखता है। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स फॉर हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर इम्प्रूव डाइजेशन, टू एनहेंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और कंट्रोल हेयर बॉल्स, जो कैट्स के ठंड के सीजन में ज़्यादा हेयर बॉल्स होते हैं उसको भी वो बरकरार रखता है, कम करता है, और टू कंट्रोल कैनिबरिज्म, कैनिन का जो भी प्रॉब्लम है कैट्स को, वो भी वो तार जो भी आता है कैट्स चबाने सकती है ड्राई फूड, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है। और अब जो भी आप मेडिसिन दे रहे, जो भी आप, मैं जो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे, प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही जैसा अपने डॉक्टर बोलता है, उसको जैसा देने का तरीका बोलता है, आप वैसे अपने कैट्स को दे दीजिए। और या आगे बहुत ज़्यादा और वीडियोस में लाने वाला हूँ कैट्स और किटन्स के लिए। रही बात मेरी कैट, देखिए यहाँ पे कितना आराम से सो गई है, ये प्रेग्नेंट है फिलहाल, और नवंबर एंडिंग इसका डिलीवरी डेट है। सो फिर बेटा छोटू छोटी को हाय बाय बोल दे, गुड बेटा पपी ने। चलो गाइस विश, थैंक यू सो मच, या बाय 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 बाय, हैप्पी वीकेंड।